आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Realme 6s के बारे में। जी हाँ गाइज, आपको Realme के 6 सीरीज के अंदर एक और स्मार्टफोन काफी जल्द इंडिया के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस डिवाइस को पिछले महीने यूरोप के अंदर लॉन्च किया गया था। यहाँ पे आपको प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छे गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। साथ ही इस डिवाइस के कई सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपको प्राइस के हिसाब से काफी पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं Realme 6s में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि इस डिवाइस का सारे एस्पेक्ट्स रिवील हो चुका है, क्योंकि इस डिवाइस को यूरोप के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। तो यहाँ पे इस डिवाइस के सारे कंफर्म स्पेसिफिकेशन सामने निकल के आ चुका है। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे हमें 6.5 इंच का एक बिग डिस्प्ले दिया जाएगा, जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आएगा। और यहाँ पे आपको Realme 6 की तरह ही सिंगल पंच होल का डिजाइन भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेशर का सपोर्ट भी दिया जाएगा, साथ में हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। साथ ही बात करें इसके बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में, तो ये पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ में आता है, जो कि विथ ग्लोसी ग्रेडिएंट फिनिशिंग के साथ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हमें साइड माउंटेड फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको बैक साइड की ओर वर्टिकली क्वाड कैमरा का सेटअप दिया गया है, जहां पे आपको प्राइमरी लेंस 48 मेगापिक्सल का मिलेगा और इसका अपर्चर आपको f1.8 देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही आप इस कैमरा से 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि 30 FPS पे, लेकिन आपको फुल HD में वीडियो रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन 60 FPS में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको नाइट एस्केप मोड, ब्यूटी मोड और साथ ही हमें वीडियो एस्टेब्लिशन के लिए ES का भी सपोर्ट मिल जाएगा। वहीं गाइस बात करें इसके फ्रंट कैमरा के बारे में, तो फ्रंट में हमें सिंगल पंच होल के अंदर 16 मेगापिक्सल का AI सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है। और फ्रंट में भी आपको HDR का सपोर्ट और फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया जाएगा, जिसे आप 30 FPS पे कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें नाइट सेल्फी मोड जैसा भी फीचर देखने को मिल जाएगा। अब बात करें इसके पावर के बारे में, तो इस डिवाइस को पावर देने के लिए 4300mAh का बड़ी बैटरी दिया गया है। साथ में आपको 30 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है, जिससे आप अपने डिवाइस को करीब 50 मिनट के अंदर ही चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें चार्जिंग के लिए USB टाइप सी का पोर्ट, साथ ही आपको 3.5mm का ऑडियो जैक भी मिल जाएगा। वहीं गाइस बात करें इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे हमें टॉप लेवल का परफॉर्मेंस दिया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर यूज किया जाएगा मेडियाटेक का हीलियो G90T का पावरफुल चिपसेट। ये चिपसेट हमें ओक्टा कोर देखने को मिलता है, जो कि 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। साथ ही यहाँ पे हमें बेस्ट गेमिंग के लिए Mali G76 का GPU भी मिल जाता है। तो नो डाउट आपको इस प्राइस सेगमेंट के अंदर Realme की तरफ से काफी टॉप लेवल का गेमिंग देखने को मिलेगा। इससे पहले भी ये चिपसेट हमें काफी सारे डिवाइस में देखने को मिल चुका है। वहीं गाइस बात कर लें इसके स्टोरेज के बारे में, तो ये डिवाइस आपको बेस वेरिएंट 4GB प्लस 64GB के साथ में आएगा। और यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस को और भी बूस्ट करने के लिए UFS 2.1 का स्टोरेज भी मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करी जाए, तो ये डिवाइस एंड्रॉयड 10 के साथ में आएगा, जो कि रियलमी के खुद के UI पर बेस्ड होगा। वहीं दोस्तों लास्ट में बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में और लॉन्च डेट के बारे में, तो ये डिवाइस आपको 12 से 13,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। और वहीं लॉन्च डेट के बारे में बात करी जाए, तो ये डिवाइस आपको जुलाई के महीने तक देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।